और जी स्वागत है आपका आर कोर्स स्टिचिंग आर्ट चैनल पर, जहां आप सीखते हैं पुराने कपड़ों से नई चीज़ें बनाना। आज मैं आपको ये 3D मैट बनाना सिखा रही हूं, जो मैंने पुराने कपड़े की कतरन से बनाया है। तो चलिए देख लेते हैं इसका मेजरमेंट बनाना, इसे देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें इसका ड्राफ्ट बनाना है, जो हम पेपर पर बनाएंगे। इसके लिए मैंने ये पेपर लिया है, जिसकी चौड़ाई 8 इंच और लंबाई भी 8 इंच, एक स्क्वायर पीस है। इसे मैं अच्छे से फोल्ड कर इसे ऐसे रख लेना है। और इस पर हमें सबसे पहले एक स्क्वायर पीस बनाना है, यानी जैसे हमने फोल्ड करके इसकी जो भी मार्किंग आई है उसके ऊपर हम पेन के साथ मार्क कर देंगे। और फिर हम बीच से इसे ऐसे निशान लगा लें। अब ये डब्बे की तरह हो चुका है, अब हम इसे कट कर लेंगे। इसके 3 पीस कट हो जाएंगे। अब इन्हीं 3 पीस के ज़रिए हम कपड़े को कटिंग करेंगे। आप इस पे कलर के नाम लिख लिए, जिस कलर का आपको कपड़ा कट कर लेना है। यहाँ मैंने ये पुराने कपड़े लिए हैं जो मेरे पास बचे हुए थे, इनमें से मैंने पीस कट कर लिए। मैं आपको एक बार कट कर दिखा देती हूँ कैसे कट करना है। जैसे भी आपको पीस रखना है वो एक तरफ ही होने चाहिए, एक दूसरे के ऊपर ना होकर ऐसे सीधे। मैंने नीचे बिछाया वो कपड़ा, वो भी सीधा है, और उसके ऊपर रखा है वो भी सीधा है। जो हमने पीस कट किए रखे हैं उन्हीं के नाप के हमें कपड़े को काट लेना है। ऐसे कट करके बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा ये। ऐसे हम कपड़ा को ऐसे कपड़े को कट कर लेंगे। और जो ये ट्रायंगल पीस बच रहे हैं इन्हें फेंकिए मत, क्योंकि ये फिर से काम आ सकते हैं हमारे, इसलिए इन्हें भी संभाल कर रखें। ये मैंने सभी पीस कट कर लिए हैं, पिंक भी ब्लैक भी, इसी शेप में हमें कट करने हैं। ये मैंने ब्लैक कट किए, पिंक, इस यही पेपर वर्क कर मैंने सभी कपड़ों को कट कर लिया है। चलिए मशीन पे चलते हैं। मशीन पे हमें ये सबसे पहले तो पिंक और ब्लू कलर का कपड़े को आपस में टुकड़ों को आपस में अटैच करेंगे। बस इसी नोक का ऊपर का ट्रायंगल पार्ट छोड़कर स्क्वायर पीस को पिंक स्क्वायर पीस के से अटैच कर देना है, यानी कि इसका ऊपर का जो पिंक कलर का ऊपर का ट्रायंगल पार्ट है वो हमें अटैच नहीं करना है। बस हमें ब्लू कलर के ऊपर पिंक रखकर उसे अटैच कर देना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये मैंने अटैच कर लिए, बिन में अलग अलग कर इनके साथ ब्लैक पीस को अटैच करूँगी। ये देखिए ऐसे अटैच करने के बाद ब्लैक को हमें इस तरह रखकर अटैच करना है। अब देखिए मैंने सीधा कर लिया है ये। अब इस ट्रायंगल पार्ट को, पिंक ट्रायंगल पार्ट को ब्लैक वाले के साथ अटैच कर देना है। और यहाँ हमें 1 फिंगर का गैप छोड़ देना है। ये हमें पूरी तरह अटैच नहीं करना है, सिर्फ 1 फिंगर का गैप छोड़कर। बस यहाँ पर हमें रोक देना है इसे। एक तरह का स्क्वायर पीस बन जाएगा इस तरह। अब जो ब्लैक का पार्ट रह गया है नीचे का स्क्वायर, उसे हमें ब्लू कलर के साथ अटैच कर देना है। कपड़े को इस तरह सेट करके ताकि इसमें कोई बल ना पड़े, इसे अच्छे से सेट कर अब हम ब्लू के साथ ब्लैक को अटैच कर देंगे।
ये आसानी से बन जाता है। आपके घर में पुराने कपड़े हो उससे आप पीस कट कर कर बची हुई, हमारे घर में जैसे पुराने कपड़ों की कतरन बची रहती है अगर आप सिलाई करते हो तो उसमें से ये आसानी से बन जाएगा। ये देखिए ये बन गया अब स्क्वायर पीस। अब इसमें आप टॉप स्टिच लगा देंगे इसके ऊपर ताकि इसमें अच्छे से सफाई आ सके। इसे सेट करके अच्छे से टॉप स्टिच लगा देंगे। ऐसे ही हमें सभी तैयार कर लेने हैं सभी पार्ट। ये मैंने तैयार कर लिया। अब हम एक दूसरे के ऊपर रख कर इन्हें जिस शेप में बने हुए हैं और एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर देंगे, यानी कि हमें सभी टुकड़े एक जैसे ही करने हैं। ये जो भी इनका एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम कट कर दें और इन्हें आपस में अटैच कर देंगे। इसे अटैच करते वक्त आपको ध्यान से अटैच करना है, ये से अटैच कर देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक इसलिए कट करना है ताकि डिज़ाइन बनाने में कोई मुश्किल ना हो। अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक रह जाता है तो डिज़ाइन भी उसके साथ ख़राब हो जाता है, इसलिए हम सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे और इन्हें आपस में अटैच कर देंगे और बाद में इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप भी ऐसी चीज़ें बनाने के शौकीन हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। देखिए ऐसे पीस कट कट करके हमें अटैच करके तैयार कर लेने हैं सभी। और इन्हें अटैच करने के बाद जो भी हमने इसे उसके ऊपर हमें टॉप स्टिच लगा देनी है। मैंने अटैच कर लिए हैं सभी, रेडी हो चुके हैं। अब मैंने इसका मैट बनाया। आप चाहें तो इसका कुछ भी बना सकते हैं, जैसे चादर बना सकते हैं और भी बहुत, तो जैसे पिल्लो कवर बना सकते हैं। ये मैंने फॉर्म को क्विल्ट कर लिया है नीचे पिंक कलर के कपड़े के साथ और मैंने ऊपर ये जो स्क्वायर पीस तैयार किए हैं। अब मैं इसे चारों तरफ से अच्छे से पहले पिन लगा कर सेट कर लूँगी ताकि इधर उधर ना भागे। पिन के साथ सिक्योर करने के बाद हम इसके चारों तरफ पाइपिंग लगा देंगे। ये मैंने 2.5 इंच की पट्टी कट कर ली और मैं इसके चारों तरफ घुमाकर से दूसरी तरफ से फोल्ड कर कर ये पाइप मेरा मैट बनकर तैयार हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगली वीडियो में ऐसा ही कुछ नया बनाने के लिए फिर आपसे मिलती हूँ। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।